बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासफ़ शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज एक तो सबसे पहले झलमक्सी में बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जो कि एक मज़ार में उर्स था और वहाँ पे धमाका हुआ। 14 अफराद अब तक की जो इत्तलात हैं वो शहीद हुए हैं। परवरदिगार इस मुल्क में अमन अमान हो और जो लोग हमारे में नहीं रहे उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये सूरत हाल जो है अब सिमट रही है, दहशतगर्दी में बहुत फर्क पड़ा है। पाकिस्तान में जो पहले इत्तलात आती थी अब उसमें माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कह सकते हैं कि अब वो मसाइल बढ़ गए हैं, लेकिन दहशतगर्दी वाज़े तौर पर जो है उसका खात्मा नज़र आ रहा है। इसमें बहुत कुछ करना भी बाकी है और एक्सट्रीमिज़म को रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दो वाक़यात बहुत अहम हुए। एक तो सुबह जो रियाज पीरज़ादा साहब की तकरीर और वो जो मुबैना तौर पर जो गलत आईबी वाले कहते हैं फेक लिस्ट है, उस फेक लिस्ट की बुनियाद के ऊपर रियाज पीरज़ादा साहब ने कहा कि उनका नाम आ रहा है दहशतगर्दों के नाम के साथ और उनके उनके खानदान का जो है नाम आ रहा है, लिहाजा उसको क्लैरिफाई किया जाए। और उन्होंने वॉकआउट किया और अकेले नहीं किया, 37 लोग जो थे वो वॉकआउट कर गए उनके साथ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट जो थी डेवलपमेंट, पोलिटिकल डेवलपमेंट। और इससे पहले खत्म नबूवत वाली जो शिक थी या वो जो हलफनामा था उसके अंदर तरमीम तो की गई, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अंडर फायर रही है। बहरहाल इस पे भी हम जरूर बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून जो कि मुत्तहिद अब नहीं दिखाई दे रही उसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या ये उस ट्वीट का जवाब है जो कि मरियम साहिबा ने कुछ दिन पहले किया था जिसमें उन्होंने कहा था आज साबित हो गया कि नवाज शरीफ के पीछे पार्टी यकजहती के साथ खड़ी है और नवाज शरीफ के मुखालिफ नवाज शरीफ के चाहने वालों के सामने बेबस हैं। तो जवाब शायद ये उसका एक आ चुका है। बहुत सारे तज्जिया निगार कह रहे हैं कि नून में फूट पड़ चुकी है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है, जो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, वो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि DGISPR ने की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने उस खामोशी को पैगाम कहा जो कि कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में रखी गई। बहुत सारी अहम बातें उन्होंने कहीं और खास करके जो रेंजेस का वाकया हुआ था वजीर दाखला के साथ उसके रिस्पांस में हम कह सकते हैं कि ये जो डीजी रेंजेस की एक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये सियासी तौर पर इंतहाई गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें बहुत सारे जो सियासी बयानात थे उनको गैर सियासी अंदाज में उन्होंने पेश किया है। ये मामला और ये जो तनाव है ये किस हद तक बढ़ेगा ये जरूर हम जांचेंगे और ये बढ़ चुका है, ये बढ़ नहीं रहा, ये बढ़ चुका है। मैं आपको सुनवाना चाहती हूं कि DGISPR ने क्या कहा, उसके बाद फिर मैं आपको एक सवाल जवाब भी उनका सुनवाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सुनवाना ताकि आपको अंदाजा हो कि चीजें किस समत पे जा रही है। जरा सुनिएगा। हम सबको एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स देना है, हर अदारे ने, हर बंदे ने, मीडिया भी उसमें शामिल है, कि अगर कोई छोटा सा वाक्य होता है तो उस वाक्य को जो कि एक लोकल इवेंट है उसको आप अगर उस नैरेटिव के साथ जो है वो पेश कर देंगे तो फिर काम खराब होगा। स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद कोई प्रेस रिलीज जो कि यूजुअली इशू होती है वो नहीं की गई, तो साइलेंस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। जो अंदर बैठ के गालियां दे रहे हैं, मैंने पहले इस पर बात की थी कि वी आर एब्सोल्युटली श्योर कि एक तो वो पाकिस्तानी अवाम नहीं है और ये नहीं होता कि हर जो हुक्म है वो राइटिंग में ही चलता है। आप एक इलाके में हैं वहां सिक्योरिटी की जो भी थ्रेट होती है वो होती है। ये नहीं होता कि हर हुक्म जो है वो राइटिंग उसमें हो और वहां सिक्योरिटी को भी थ्रेट होती है। ये एक बहुत बड़ा बयानिया है जो कि उन्होंने बता दिया है खुद इस वाकये के रेफरेंस में, इस पर बात करेंगे। अब मैं आपको सुनवाना चाहती हूं कि जो मियां नवाज शरीफ से मुतालिक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो सवाल पूछा गया था, सवाल के साथ हमारे कोलीग ने किया था उनसे, वो जरा सुनिएगा और जवाब भी सुनिएगा। मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है और नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहल होने के बाद जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, जैसे रिसेंटली उन्होंने सकूते ढाका की याद दिलाई और एक अभी उन्होंने लॉ अमेंड किया जिसके तहत वो दोबारा सदर बने और फिर उन्होंने ये कहा कि डिक्टेटर का जो लॉ था वो खत्म कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप समझते हैं कि ऐसे हालात के अंदर आपको एक काउंटर नैरेटिव जो आप देना चाहते हैं वो डेवलप कर सकेंगे? पीछे मुड़कर देखेंगे तो पीछे तो 70 साल हैं, तो फिर आप पीछे ही देखते रहें और इल्जाम तराशियां करते रहें। 15 साल की कुर्बानियों को देखें, 15 साल की कोशिशों को देखें, 15 साल के हालात की बेहतरी में देखें,
और अब आगे देखें और मिलके आगे चलें। कोई भी फर्द, ओके लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इवन आर्मी चीफ, आर्मी चीफ आर्मी से ऊपर नहीं है और आर्मी पाकिस्तान से ऊपर नहीं है, तो अगर हमारी सोच यह है कि कोई फर्द अदारे से और कोई अदारा मुल्क से बालातर नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये सोच हमने लेके आगे चलनी है। गो कि उन्होंने इस बात का वाजे जवाब दिया कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन ये भी कहा कि कोई शख्स अगर समझे कि वो मुल्क से बालातर है या कोई इदारा समझे कि वो मुल्क से बालातर है तो इसकी भी इजाजत नहीं है। ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर हम ज़रूर बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कशन के लिए। हमारे साथ पैनल में आज मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला'आत हैं, साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक अहमद ख़ान साहब, जो कि तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, और उनका ताल्लुक भी कसूर से है, सो आज सारे कसूरियों का कसूर नज़र आएगा आज के शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी। जनाब ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे बहुत मोहतरम पेशावर से दिफाई निगार हैं, आप इनको सुनते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ी देर में फवाद चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, हो सकता है जल्दी ज्वाइन कर लें। सो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले चौधरी साहब आप बताइएगा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है क्या कहेंगे आप इसके बारे में, तजिया आप दीजिए आज। देखिए चीज़ें तो फिर नज़र आ रही हैं कि कुकअप हो रही हैं, जिस तरह से हर तरफ दोनों तरफ से इशारों किनायों में बात हो रही है, तो सीधी बात कहीं किसी तरफ से नहीं हो रही। पहले ये भी करते हैं, ये भी पहले कहते हैं साजिश हो रही है, साजिश हो रही है, कौन कर रहा है, तो फिर उस पर ये खामोश हो जाते हैं, ये बताएं कौन कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है, ताकि अगर कोई साजिश कर रहा है तो हमें ये बताएं, हम आकर उस साजिशी के खिलाफ खड़े हो जाएं। और अगर बताते ही नहीं है साजिश कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो फिर कोई दूसरा कैसे आकर जो रेंजर्स वाला वाक्या था चॉइस साहब उसके ऊपर तो आप देखिए, हम ये कहते हैं इनका अलमिया क्या है। हम जब इनको कहते थे कि आप ये ना करें जो कुछ इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ मिलकर आप कर रहे हैं, तो ये इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, आज खुद क्या कह रहे हैं। जब हम इनसे कहते थे कि कराची में रेंजर्स क्या कर रही है, ओवरडूइंग हो रही है, तो कहते थे कि नहीं अमन अमान ठीक हो रहा है, तो इनको इनको तकलीफ हो रही। जब हम इनको बाकी चीजें कहते थे तो ये बिल्कुल उसके उलट जवाब देते थे, और आज खुद एक एक चीज का शिकार हो रहे हैं। एक एक चीज आप कोई चीज उठाकर देखें, फिर वही अदालतें हैं, वही एहतसाब कमीशन है, वही रेंजर्स है, वही सारा कुछ है। अगर ये समझते हैं कि गलत हुआ है, जिस दिन उस दिन एहसन इकबाल साहब ने कहा, और हम उस दिन भी हंस रहे थे कि इन्होंने पहले भी कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा, ये इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए इसी मुल्क के अंदर चौधरी एतजाज साहब ने एक ब्रिगेडियर साहब को और फिर ISI चीफ को कीमत देनी पड़ी हमें, जब हमीद गुल को उसको वापस भेजा था, एक ब्रिगेडियर को रेंजर्स से कहा था पड़ी थी ना, नहीं तो फिर आप ना करें ना बातें, ना ले स्टैंड, या तो आप स्टैंड लेना है तो ले। तो सो अगर भेजा था, चोई साहब ने भी कहा था कि नहीं इसको वापस भेज दें, ब्रिगेडियर साहब इसी रेंजर्स के ब्रिगेडियर साहब वापस गए थे, तो ये बजाय इसके कि उस ब्रिगेडियर साहब को वापस भेजे, उन्होंने उल्टा विड्रॉ कर लिया पार्लियामेंट से। ये तो वैसे अलमिया है फवाद जी। सो मसला ये है कि आप या तो उस पर पूरी तरह खड़े होकर स्टैंड लें या ना लें। इनको जाना नहीं चाहिए था, बड़ी सीधी बात है, ऐसा जाना चाहिए था। नहीं, मतलब ये एक पॉलिटिकल लोग नहीं, वजीर दाखला है ना सर, पॉलिटिकल इशू नहीं है सर, वो एक पार्टी के रुकन भी तो नहीं, नहीं पार्टी के रुकन की हैसियत से जाना था, प्रोटोकॉल को छोड़ते प्राइवेट गाड़ी में बैठते और कहते कि मैं भी एक दूसरे आम आदमी की तरह से अदालत में अपने लीडर के साथ जाऊंगा। आप प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं, वजीर दाखला की हैसियत से जा रहे हैं अदालत के अंदर, फिर क्यों जा रहे हैं जब कोर्ट ने कह दिया कि मिनिस्टर्स नहीं आएंगे, फिर वहां पे जाकर अगर चले गए अकलमंदी करते तो वहां पे अपने रास्ते में बात करते या गाड़ी में बात करते। लेकिन जो हुआ वो सही नहीं हुआ। देखिए अगर दूसरी तरफ ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि ब्रिगेडियर साहब को किसने कहा था, वो तो साफ आज जज साहब ने कह दिया हमने अलाउ किया हुआ था, वो कल उनके स्टेटमेंट्स आ गए, रिमार्क्स आ गए, आज वो बाकी लोग कह रहे हैं, तो ये इंक्वायरी में तो सामने आ चुका है कि किसके इशारे पे। वो कहते हैं हर हुक्म रिटन नहीं होता, आज DGISPR कह रहे हैं, मतलब DGISPR ने कह दिया है, फौज ने लगाया था। अब पहली बात ये है कि जो नैरेटिव है, जो बड़ा नैरेटिव है PMLN का, आप उसको अगर तस्लीम कर लें, उनका नैरेटिव ये है कि इस वक्त फौज जर्नैल से लेके सिपाही तक उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट के जजेज उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये फैसला जो है ये सिर्फ पढ़ के सुनाया है उन्होंने, ये लिखा कहीं और हुआ था। एहतसाब कोर्ट के बाहर जो मरियम बीबी हैं उनकी ट्वीट्स देखें, वो कहती हैं फैसला तो पहले से ही तय है और एहतसाब कोर्ट में जाना जो है वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। सो इस वक्त मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो तमाम इदारे हैं वो मौजूदा एक जो कंपोनेंट है यानी कैबिनेट है उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब मुझे आप बताइए कि अगर ये कैबिनेट हुकूमत चला रही है, कैबिनेट के हिस्से हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे हैं ना, फौज भी हुकूमत का इदारा है, जुडिशरी भी हुकूमत का इदारा है। फौज हुकूमत के अंडर है आपको लगता है? अगर फौज हुकूमत के अंडर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली है वैसे नहीं, नहीं अगर आप समझती हैं कि ये हुकूमत के खिलाफ फौज साजिशें कर रही है, साजिश नहीं मगर अंडर की अंडर भी नहीं, अदलिया साजिश की बात नहीं कर रही, अंडर भी नहीं, 100% अंडर है, इसलिए अंडर नहीं है। जो मॉरल अथॉरिटी जब नहीं होती ना हुकूमतों की, और जब आप 300-300 अरब रुपया पाकिस्तान से चोरी करके तो फिर हुकूमत रोक सकता है, काबीना को रोक सकता है, वो इसलिए रोक सकता है, बेइज्जत कर सकता है, इसलिए फौज का ब्रिगेडियर रोक सकता है कि उनको पता है कि इस ये जो वजीर दाखला है इसकी अपनी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, ये तो कल जो है वो सेक्शन 203 बहाल करा के आ रहा है। और लोगों में इनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हमेशा अपने लोगों के बल के ऊपर हुकूमत करती हैं, अगर लोग उनके साथ ना हो, अगर पार्लियामेंट उनके साथ ना हो, मॉरल अथॉरिटी ना हो, वो हुकूमत नहीं कर सकती। इसलिए आज जो अमेरिका ने बयान दिया है कि पाकिस्तान में बहरान है हुकूमत का, ये और हम उनके साथ खड़े हैं हुकूमत के, ये अचंभे वाली बात है, नहीं बहरान है। अच्छा अब आप बताएं मुझे कि ये अगर हुकूमत के खिलाफ फौज भी साजिशें कर रही है, अदलिया भी साजिशें कर रही है, हुकूमत कैसे करेंगे? इसका मतलब ये होता है ऐसी सिचुएशंस में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप अल्टीमेट आर्बिटर के पास जाते हैं, आप अल्टीमेट आर्बिटर से वापस जाते हैं और पाकिस्तान के अवाम के पास जाते हैं, पाकिस्तान की अवाम है और फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। मैं इससे पहले कि मलिक साहब के पास जाऊं, महमूद शाह साहब, अगर फौज की जानिब से मतलब एक बड़ा अच्छा पैगाम आया था कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आया, आज उन्होंने कहा उस खामोशी को भी आप एक पैगाम समझें, इस पैगाम में कोई तूफान छुपा हुआ है या बहुत सारी बातें डीजी ने कही हैं और बहुत वाजे भी हैं कि कोई इदारा बालातर नहीं, कोई शख्स बालातर नहीं, क्या आप इसको किस नजर से देखते हैं? मेरे ख्याल में बड़े मीनिंगफुल अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। 7 घंटे कॉन्फ्रेंस रही और उसके बाद प्रेस रिलीज नहीं किया गया और उसका जवाब उन्होंने दिया कि कोई प्रेस रिलीज न देना भी या खामोशी भी एक जवाब होती है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस हुआ और जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से जो कुछ इस्लामाबाद में होता रहा उसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन हुई होगी। सही। टेक्निकली मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर जो रेंजर्स हैं वो आर्टिकल 245 के अंडर है। बिल्कुल, जो कि इसी हुकूमत ने 7 सितंबर को रिव्यू उसको रिन्यू किया है, 7 सितंबर को दोबारा कहा कि आप आ जाइए दोबारा सिक्योरिटी संभालने के लिए, दुरुस्त बात जी हाँ। तो उसमें 245 में ये है कि जो लोकल कमांडर जिधर जरूरी समझे वो खुद वहां पहुंच सकता है, उसको किसी ऑर्डर्स की जरूरत नहीं होती। ये जो अदालत में कहा कि वो क्यों गए, एक एसएसपी ने लेटर लिखा था उसकी कॉपी गई थी और कहते हैं कि बाद में कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर ने उसको रिजेक्ट किया, तो क्या उसका लेटर भी वो रेंजर्स के ब्रिगेडियर साहब के पास नहीं जाना चाहिए था? नहीं, वो बिल्कुल आपकी, वो अगर आते तो, सर महमूद शाह साहब, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन एक हुकूमत है बुरी है अच्छी है, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि एक मॉरल अथॉरिटी चैलेंज हुई है हुकूमत की, फवाद चौधरी साहब ने जैसे कहा, लेकिन सर वो हुकूमत तो है ना इस वक्त पाकिस्तान के आइन के तहत है, सिर्फ मॉरल अथॉरिटी कोई चीज नहीं जब तक रिटर्न प्रोटोकॉल लेने के लिए है। ये तो अपने आप को प्लेस कर लिया है, इन्होंने गवर्नमेंट भी कर रहे हैं अपोजिशन भी कर रहे हैं, हमें तो अभी तक यही पता नहीं चल रहा ये गवर्नमेंट है या अपोजिशन है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ जी सर कि एक आदमी यहाँ पर ड्यूटी पे होता है, वो हमें ये सिखाया जाता है वो ज्यूरिसडिक्शन उसकी है, एक सिपाही है वो मुझे रोकता है, मेरे लिए ऑर्डर है कि मैं रुक जाऊं, ठीक, क्योंकि वहां पर उस सेंट्री की ज्यूरिसडिक्शन है। ये एक एग्जांपल है कि आर्मी चीफ जनरल कियानी, अशफाक परवेज कियानी,
एक दफा एक ऑपरेशन रूम में जा रहे थे तो जो वहां पर सेंट्री था उन्होंने उनको रोका कि आपने वो सिक्योरिटी क्लियरेंस कार्ड नहीं पहना हुआ तो आप अंदर नहीं जा सकते। उसने उसको सजा नहीं दी बल्कि उसको इनाम दिया कि इसने अपनी सही ड्यूटी की है, और वो पीछे हटे और किसी को कहा कि मेरा कार्ड कहाँ पर है, वो लाया जाए और मैं पहन लूं और तब जो है मैं अंदर चला जाऊं। सर ये ऐसी जगहों पे जाहिर है वो उनके अंडर थे, वो रुक जाए बहुत अच्छा है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई सिपाही रोक देता तो वो शायद, यहाँ तो मिलिट्री सिविल मिलिट्री तनाव है, यहाँ सूरत हाल बिल्कुल अलग है। तनाव उसको अगर इनको समझ, इनको अगर समझ नहीं है तो मेरे ख्याल में इनको कितने साल लगेंगे। बाहर सूरत ये तमाम चीजें जो है जरूर डिस्कस हुई होगी, और ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जैसे उन्होंने कहा भी कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज इशू किया जाए, लेकिन इसके ऊपर जरूर तो वो आ गया बिल्कुल। कल से पार्लियामेंट से भी उन्होंने विड्रॉ की हुई है, एफसी लगा दी है आज, मतलब रेंजर्स नहीं है। सच्ची बात यह है कि एतबार ही नहीं है ना, फौज का हुकूमत पे एतबार नहीं रहा, अदलिया को, तीनों इदारों का आपस में एतबार नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली सारे जो हुकूमत के जो स्पेशली हैं, अगर पोलिटिकल गवर्नमेंट में अगर आपकी थोड़ी सी भी इस वक्त आपको सेंस हो, देखिये अगर आपको अपने आप के ऊपर एतमाद है तो आपको, मुझे तो समझ नहीं आ रही अब क्या हुकूमत करना चाह रही है। क्या हुकूमत यह है कि आपको गाड़ी मिली हुई है, दफ्तर मिला हुआ है, और ये तो ज्यादातर वजीर अपना खुद भी अफोर्ड कर ही सकते हैं गाड़ी वगैरह और अपना, ये तो आप घर चले जाए, घर कौन जाता है हुकूमत छोड़ के। आपकी हुकूमत होती है, देखिए आसमां हो क्या रहा है। चार दिन से 4000 पॉइंट गिर गई है स्टॉक, बिल्कुल गिरी है। आपका डॉलर 110 रुपए पे चला गया है, आपको 10 बिलियन डॉलर चाहिए हर साल 75 अरब डॉलर का लोन जो है वो मैनेज करने के लिए। आप 6-8 महीने और लल में रहेंगे जिस तरीके का ये वैक्यूम चल रहा है, मुझे बताएं आपको कि ये अगले 6 महीने में पाकिस्तान किधर जाएगा। नहीं बिल्कुल, इसका एक मौशी नुक्ता भी है जो कि आज DGSPR ने कहा है, एंड आई एग्री टोटली कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसके अखराजात हैं, जिस तरह की सूरतयाल मईशत की चल रही है, आप अपना दिफा कैसे करेंगे जबकि पूरी दुनिया और पूरा जो आपका रीजन है वो आपको चैलेंज कर रहा है। आज जो है मुझे आप बताएं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है, अशरफ गनी आ रहे हैं पाकिस्तान, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो पोलिटिकल अथॉरिटी है कि वो अशरफ गनी से कर सकें, तमाम मुजाकरात तो फौज में और अफगानिस्तान कर सकते, अमेरिका के साथ भी तो कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ गए हुए और उन्होंने कह दिया कि हुकूमत का हमें जो है पता नहीं है कितनी स्टेबल है। अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करेंगे कि ये फिर होगा क्या अगर इस तरह की एक अनारकी की सी कैफियत है और सिविल मिलिट्री तनाव बढ़ता चला जा रहा है, उसमें कोई एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं, कम से कम पिछले 2 हफ्तों में मुझे नजर नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई हो, होगा क्या ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब ने फाइनली हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब हमारे साथ हैं। नून लीग से कोई भी अवेलेबल नहीं था, बहुत सारे लोग थे लेकिन सबने माजरत की, अब पता नहीं उसकी वजह क्या है। मियां साहब आप हमारे साथ हैं अभी, अच्छा वो भी ड्रॉप हो गए। अच्छा बहरहाल ये जो चलता है आपके प्रोग्राम का मसला, ये सारे प्रोग्राम्स पे आज कोई भी पीएमएलएन से नहीं है, और ये बड़ा मरियम बीबी बाहर गई है ना, टीम उनकी बन गई है सारी वजीर, हाँ अब वो वजारत चलाएं, ये वैसे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है क्योंकि जाहिर है डिफेंड करना है, ये पब्लिक शोज होते हैं, लोग इनको देखते हैं, अगर उस पर नहीं आएगी पार्टी तो उन्हीं को नुकसान होगा। लेकिन चौहान साहब जो सूरत हाल है वो काफी खराब है, और आज आपने कौमी असेंबली के अंदर देखा, मतलब वफाकी वजरा खड़े हो गए, रियाज पीर ज़ादा साहब को आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, बड़ी डिग्निटी वाले आदमी है, वो कह रहे हैं जी हमारा नाम क्लियर कराए, हमारे पे ठप्पा लग गया। देखे ना ये बात ठीक है कि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड चीजें हो रही है, और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इनके MNAs हैं, उनका रिलेशन है, सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खामखा उस में नथी कर दिया गया। और ये आज बिल्कुल एक ऐसा वाक्या हुआ है कि फेडरल मिनिस्टर जो है वो ट्रेजरी बेंचेस में लॉ मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ उस स्पीच के बाद कहता है मैं बतौर फेडरल मिनिस्टर वॉकआउट कर रहा हूँ, और साथ MNAs और बाकी मिनिस्टर्स भी वॉकआउट कर रहे हैं। सो वो अकेले नहीं, अकेले बाज़ का तो हो जाता है जी, कोई पर्सनल रिवेंज आ गया और बाकी लोग भी कर रहे हैं, ये सीरियस इश्यू, इसके कॉन्सिक्वेंसेज है। और अगर आपकी फेडरल कैबिनेट में आपका नैरेटिव सारे का सारा किधर चला जाएगा दुनिया के अंदर, तो फेडरल मिनिस्टर्स के ऊपर अगर ये इल्जाम है कि वो दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं,
तो फिर आप कहां पे खड़े हैं बतौर स्टेट? आपको रियासत को कौन मानेगा, कौन आपकी बात कौन मानेगा, उस काबीना के किए हुए फैसलों को कौन मारेगा? अच्छा, दूसरी बात जो है, स्पीकर साहब ने कहा कि हमने बुलाया है उनको, हम बुला लेते हैं डीजीआईपी को, तर्दीद भी हुई है, तर्दीद भी हुई है, उसके बावजूद ये मसला नहीं हल हुआ। क्या इशू हुआ कि तर्दीद हुई है? वो कह रहे हैं, जो रियाज पीरजादा साहब की मैंने स्पीच सुनी है, चौहान साहब ने, उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये लेटर जाने का क्या मतलब है? ये नहीं है कि आईबी से लिस्ट आई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, जो उनकी वर्डिंग है, आप निकालकर चलवाएं। हाँ, बिल्कुल। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी तो सारी रियासत स्टेक पे लगी, अगर कैबिनेट यहाँ पे वो लोग बैठे, इसका मतलब ये है, खौफनाक बात है। अच्छा, दूसरी बात जो है, देखिए मियां साहब का अलमिया क्या है? मियां साहब पहले सारी स्पेस देते हैं, कंसीड करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे साथ किया, फिर उसके बाद काला कोट पहना, आईएसआई के चीफ और आर्मी चीफ के एफिडेविट लिए और सुप्रीम कोर्ट चले गए। सो जाकर स्पेस कंसीड कर देते हैं, और जब इनका सांस घुटने लगता है तो फिर उनको दुलतियां, या अब मैं गलत लफ्ज नहीं बोलता, फिर उनको उनसे लरना शुरू कर देते हैं। सो ये जैसे जरदारी साहब ने के साथ मुलाकात, मुझे एक फिक्रा कहने दीजिए, इनके साथ मुलाकात तय थी, जब वो उन्होंने यहाँ पे बोला तो ये भाग गए। ये रशिया में आर्मी चीफ राहिल शरीफ थे, उनके साथ थे, उन्होंने वहां पे फोन करके पूछा कि मैं मिलूं कि नहीं मिलूं। अगर ये पॉलिटिशियन होते, जरदारी साहब से मिलते और बाहर निकलकर ये स्टेटमेंट देते कि मैंने जरदारी साहब को समझाया, उन्हें ये स्टेटमेंट अपने इदारों के बारे में या आर्मी चीफ के बारे में नहीं देनी चाहिए। लेकिन फवाद, इसका मतलब है कि पीएमएलएन में जो बातें चल रही थी कि ये फूट पड़ गई है, दरार पड़ गई है, उसका एक और वो ट्वीट जो कि मरियम साहिबा ने किया था कि साबित हो गया कि पार्टी नवाज शरीफ के पीछे खड़ी है, फौरन उसका जवाब आ गया। और उसके पीछे किसी ने लिखा कि नहीं, हमजा वो जो कल हुआ जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जब वो मीटिंग हुई बाद में, जो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए बुलाया, उस मीटिंग में दो वर्जियंस थे। एक तो आज अरशद शरीफ साहब को बुलाया गया पैमरा में, और वहाँ पे आईबी वालों ने उनको बड़ा थ्रेट किया, जिसके जवाब में अरशद शरीफ साहब ने कहा कि जी दो लेटर हैं, एक लेटर है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आईबी को आया है, दूसरा है जो आईबी ने इशू किया, दोनों का फोरेंसिक हम आप लंदन से करवा लें और हम जो है उसका खर्चा देने को तैयार है, पता चल जाएगा कि खत जाली है या नहीं जाली। अब जो डीजीआईबी का वर्जन है वो ये है कि उनके जो दस्तखत हैं वो इनकार नहीं कर रहे कि उनके नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये स्कैंड है, तो जाहिर है कि ये फोरेंसिक होना जो है वो इंपॉर्टेंट है दोनों लेटर्स का। और जैसा चॉइस मंजूर साहब ने जो है वो वाजे किया कि प्रॉब्लम सिर्फ एक डीजीआईबी के लेटर की नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो रियाज पीरजादा साहब को जिसके ऊपर ज्यादा गुस्सा है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक डायरेक्टिव जारी हुआ डीजीआईबी को, और जिसमें कहा गया कि इन ये जो अराकीन असेंबली हैं जिनके कनेक्शंस हैं उनकी आप जांच पड़ताल करें। सही। अच्छा, आईबी का ये काम है और उनको जांच पड़ताल करनी भी चाहिए, और जो अगर फैक्ट्स हैं वो कोई, लेकिन ये जो रिवर्सल हुई है आईबी की उसके ऊपर वो एक ज्यादा एक और पब्लिक। अच्छा, वैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत सी हैं, हो सकता है विदे इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी बहुत सारी फोर्सेज हैं, आईएसआई और आईबी में लड़ाई है और वो चल रही है, यहां तो चल रहा है, अदालत ने कहा कि टग ऑफ वॉर है, ये समटाइम्स होती है सारी, लेकिन उसका हिस्सा अब पोलिटिकल लोगों को या पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर है कि पॉलिटिशियंस जिन्होंने वीजे अप्लाई किए या जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको बकायदा जो है वहां से बुलाना शुरू हो गई उनके इंस्टीट्यूशंस, और उन्होंने कहा कि आप बताइए कि ये तो आप एक गम और गुस्सा उनके बीच में नेचुरली, तो मेरा ये ख्याल है कि ये सीरियस है। अच्छा, मैं एक क्विकली एक चीज, महमूशा साहब, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हाल ही में मिले आर्मी चीफ से, तो उन बाद में बहुत सी इत्तलात आई कि उसमें कुछ लोगों ने आर्मी चीफ से पूछा कि क्या लोग आपसे रबते में, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ 40, मुझे कहा गया कि 40 लोग हैं जो पूछ रहे क्या करना है, तो मैंने उनको कहा कि हमने क्या करना है, आपका जो मर्जी है वो आप करें, हम बिल्कुल पॉलिटिकल उसके अंदर हिस्सा नहीं लेते। तो ये तो एक अच्छी बात है कि पॉलिटिकल जो है उसके अंदर सियासी तौर पर फौज बिल्कुल कोई किरदार अदा नहीं कर रही है, आर्मी चीफ की हद तक तो बिल्कुल वाजे है। लेकिन सर, ये 40 लोगों की लिस्ट और फिर 40 लोगों का ही आज जो 37 लोग हैं उनके बारे में है, और ये सारे के सारे, बहुत सारे इनमें मुशर्रफ साहब के हिस्सेदार भी थे, तो ये क्या पैगाम जा रहा है, ये उस खबर की तस्दीक हो रही है? दरअसल मैंने भी सुना है और मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि बहुत वैसे जरिए से सुना है, जनरली सुना है, और मैंने सुना है कि 55 लोग किसी और को मिले हैं और वो
गए हैं चीफ के साथ, पूछा चीफ से पूछा है, तो चीफ ने कहा हमारा इनसे क्या काम, उन्हें को कहो कि जाए अपना काम करें, दुरुस्त, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर उसके बाद एक और वाकया हुआ कि उन्होंने 11 आदमियों की लिस्ट बनाई और फिर उस आदमी के पास गए कि ये आप बता दें चीफ साहब को कि इनमें से जिसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं हम उनके साथ हैं। और उन्होंने कहा यार ये कौन है, इनको कहो अपना काम करो। तो ये बात मैंने सुनी है और ये बात हर जगह हो भी रही है, ये बात बहुत हो रही है और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि लेकिन देखिए इनका अलमिया एक तरफ वो है कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इनका अलमिया क्या है। हमने जब ये जेल में गए तो बीबी ने मोहतरमा ने एआरडी बनाई, उस एआरडी के प्रेशर पर नेगोशिएट करके ये खुद बाहर चले गए दोबारा, फिर जब और हम जेलों में पड़े थे, मतलब इनके डाले हुए हम जेलों में पड़े थे और ये खुद बाहर चले गए दोबारा, फिर जो इन्होंने हमने थोड़ी सी स्पेस इश्यूज आए और जब पार्लियामेंट के अंदर बुलाया गया आर्मी चीफ को आईएसआई चीफ को उस पे नेगोशिएट किया इन्होंने और फिर ये इलेक्शन 2013 हर जगह पॉलिटिकल लोग तो गलत नहीं 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 मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा एजेंसियों का किरदार, मैं आईजीआई किसने बनाया, मैं मियां साहब उसका हिस्सा, मैं उस पे आने लगा हूं ना, मेरा पॉइंट तो पूरा सुन। सो ये जब हम इनके साथ खड़े होते हैं ये उस बुनियाद पर नेगोशिएट करके, अगर कोई प्रिंसिपल का प्रिंसिपल पोजीशन नहीं है, अगर कोई हो तो सारी पार्टियां इनके साथ खड़ी हो जाएगी, उस पर नेगोशिएट करेंगे और खुद जाकर उधर में एनआरओ में हुआ जैसे बाकी जगह पे सारी जगह पे हुआ। सो हमने ये देखना है कि क्या आज अगर ये कोई प्रिंसिपल पोजीशन लेते हैं तो उधर बैठे हैं शहबाज शरीफ और बाकी, वो तो हर वक्त नेगोशिएट करते रहते हैं उनके साथ। लेकिन चॉइस साहब, फवाद चॉइस साहब, ये कसूर तो आप लोगों का है, आप दोनों का है ना, अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी इकट्ठे होते तो आज तक आप जो कह रहे फ्रेश इलेक्शन वो भी हो चुके होते, सब कुछ हो चुका होता। जरूरी नहीं है आज जो जरदारी साहब के लिए खान साहब कहते हैं क्या वो एक्सेप्टेबल है इनके लिए कि वो नहीं। देखें पहली बात तो आप समझें कि पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है ना वो इन पार्टीज की जो 85 ऑनवर्ड रही हैं उनके खिलाफ है। ये हम ये समझते हैं, हो सकता है ये गलत बात हो या ना करना हो, लेकिन जो राइज है पीटीआई का वो है अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर, और एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर में आप चाहे पीटीआई के साथ हो या खिलाफ हो, आप एग्री करेंगी कि पाकिस्तान में करप्शन का इशू, गवर्नेंस का इशू इमरान खान ही इस जगह पे लेके आया है जहां पे अब है, इससे पहले खत्म हो गया। नो डाउट, बिल्कुल। सो जरदारी साहब का या पीपल्स पार्टी का जो प्रॉब्लम है वो ये है फ्रेंकली कि वो या तो अपनी लीडरशिप में तब्दीली लाते और सिंध में कोई गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट होती तो फिर हम एक पार्टी नहीं है, हम अलहदा अलहदा पार्टीज हैं। अब मुझे आप बताएं कि जो सिंध में 60,000 करोड़ रुपया गया है, 6 ट्रिलियन रुपीज गया है, अब वहां पे वो कैसे खर्च हुआ है? वो नजर नहीं। आप मुझे बताएं कि अगर, लेकिन आज जरदारी साहब ने कहा है कि इमरान खान के हाथ में वजीर आजम की लकीर नहीं है। चले वो ये तो कहते हैं, पंजाब की पीपल्स पार्टी की सोच मुख्तलिफ है, सिंध की पीपल्स पार्टी की सोच मुख्तलिफ है, और चॉइस आप एग्री यहां नहीं करेंगे टीवी के ऊपर, लेकिन पंजाब के जो लीडर हैं पीपल्स पार्टी के वो उतने ही पीपल्स पार्टी सिंध से परेशान है जितने का बुरा पाकिस्तान परेशान है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूं, एक गुजारिश करूं सिर्फ। देखिए मसला ये है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है, उसके नीचे सारा पब्लिक नैरेटिव सारे का सारा दब गया। हम इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पीटीआई आगे से कहती है जो करप्शन बहुत है। हम पूछते हैं कि दाखला पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डिफेंस इश्यूज पे क्या होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी पे। सो इनका एक ही नैरेटिव, और उस नैरेटिव को इस वक्त मीडिया सपोर्ट कर रहा है, सारे पीपल्स पार्टी के पुराने लोग हैं, मेरी गुजारिश वो सारा सपोर्ट कर रहा है। मसला ये है कि छह इन्होंने ये तो गिन दिया, अब अगर आप देखें, मैं इनसे पूछता हूं कि केपीके में कोई एक नया हॉस्पिटल बना है? नहीं बना। सिंध के अंदर 6 बड़े हॉस्पिटल्स बने जो अनप्रेसिडेंटेड है। ये अगर आप वहां पे देखें जो ट्रॉमा सेंटर कराची में 20 मंजिला बना है, जो बदीन के अंदर जिसमें दिल के बच्चों के सुराख के ऑपरेशंस फ्री हो रहे हैं, जो गंबड़ एक छोटी सी तहसील है उसमें पाकिस्तान में कहीं और नहीं हो रहे। सो उनका कोई जिक्र नहीं है। सो वो कहेंगे कि नहीं जी आप थार जाकर रेडिकलिज्म भी कम हुआ है, लेकिन मसला ये है गवर्नेंस के इश्यू का, ये है गवर्नेंस के इश्यू, इनके भी उतने बुरे हैं। मसलन एहतसाब कमीशन की क्या सूरत हाल है वहां पे, जो अभी इमरान खान साहब के बैनोई जो हैं वो कर रहे हैं सारा हेल्थ उनके पास है।
अभी कितने फैसले हैं पेशावर हाईकोर्ट के जो इनके खिलाफ आए, अच्छा, उनका कहीं कुछ जिक्र नहीं है। महमूद शाह साहब, यही वो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कमजोर होती हैं और इसका फायदा हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उठाती रही है और अब भी उठा सकती है। दरअसल ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये 8 साल या सॉरी 4 साल के बुनियाद पे काम करती है। यहाँ पेशावर में मेरे पास कुछ लोग रात को आए, प्रॉब्लम्स है, तो वो एक तरफ एनएलसी एक कैंप है, उनको कहा गया है कि ये ब्रिज जल्दी कंप्लीट होना चाहिए ताकि मैं फीता काटूं, और उसके पीछे जो है वो मेट्रो वाले पड़े हुए हैं कि जगह आप खाली करें तो हम इधर आ जाएंगे। और डॉक्टर साहिबान हैं, वो आए थे मेरे पास, तो वो कहते हैं जी ज़मीन हुकूमत ने हमें दी हुई है, ये खाली करें, हम इसके ऊपर अस्पताल बनाते हैं। और ये इंड हॉस्पिटल है, कराची में भी मौजूद है। मैंने उनसे दोनों से आर्मी के लिहाज से यानी रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी ब्रिगेडियर था उसको रिंग किया, उन्होंने कहा कि ये जो मौलवी साहिबान है ये अपने जूते सीधे करने से पहले ही हम खाली कर देंगे, लेकिन उसके पीछे जो आने वाले हैं वो मीठो वाले हैं, वो इनको ये जमीन खाली नहीं करेंगे। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, जो हुकूमत 4 साल जी बिगेड़ी साहब, बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। लकीली हमें मलिक अहमद खान साहब ने ज्वाइन कर लिया, तो हम भी नहीं चाहते वन साइडेड शो। शुक्रिया बहुत बहुत मलिक साहब, लेकिन आप क्या समझे हैं जो पैगाम आज मिला है आपको, वो आपने रिसीव कर लिया है खामोशी वाला? देखिए अस्मा, शुक्रिया। मैं पहले तो अपोलोजाइज दैट आई हैड टू ड्रॉप लाइन, मैं वाज स्टक इन द मिडल ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो देखिए बेसिकली जो भी सूरत होनी चाहिए उसमें अदारों की आपस में को एग्जिस्टेंस ऐसे ही होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ शुड रिमेन रूल ऑफ लॉ, लॉ इज अबव एवरीथिंग। और इसमें हमारा तो पहले दिन से ये मौकफ है और हमें पूरा एहतराम है अपनी फौज का, और हमने तो अपनी पार्टी में ये बारहा बात उठाई है कि अनलेस यू हैव अ टेंजिबल एविडेंस कि आप कह सकें, अगर लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि ये काम किसी फलां शख्स ने किया है, जैसे ये एविडेंट है कि एक डिसीजन आई तो उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपके तफजात थे, तो यू लाउडली स्पेल देम आउट कि ये कौन से तफजात, आपका नुकता था कि 184 थी आपका नुकता था, आज ISPR ने कहा है कि JIT एक आईनी हैसियत रखती है। तो मैं ये बात समझने से अभी तक मेरी कासिर हूँ इस बात को समझने से कि JIT कैसे आईनी हैसियत है, और अगर JIT की आईनी हैसियत है तो वो किस जगह में आइन में लिखी है, वो कानूनी बात हैसियत बात कर रहे होंगे, आईनी हैसियत में भी, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। फवाद बैठे हैं ये मुझसे बेहतर बता सकते हैं, और फवाद कैसे बेहतर बता सकते हैं? नहीं, मैं ऑनेस्टली ही डज हैव हैज ये फवाद के पास ये कैपेसिटी है कि सच्ची बात को सच्ची कह लेंगे, और लेकिन अगर वो आईनी है तो वो पता नहीं शायद आईन में दर्ज नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा फौज आईन में रहते हुए अपना काम करेगी। JIT के बाद एक मामला चल रहा है जो हमें पता है, आईनी है तो बात नहीं, ये हमारा तो ये मानना है, बड़ा बड़ी बड़ी शिद्दत से मानना है। देखें चीफ मिनिस्टर पंजाब इज ऑन रिकॉर्ड, वो ये कह चुके कि किसी सूरत भी कोई ऐसी स्टेटमेंट PMLN के कोई भी कारकुनान जो है या जो लोग BTV पर एक्सपोज है वो आकर बात करें तो कोई किसी इदारे की तस्दीक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने तो अपनी पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी को इस चीज से रोका, एक प्रेस रिलीज भी जारी किया उनकी स्टेटमेंट के बाद, कहीं पर एक दो जगह पर इस्लामाबाद वाले नहीं आई हुई है, लाहौर वाले तो इतना हां, मतलब पंजाब इज बिहेविंग इन अदर वर्ड्स, पंजाब इज बिहेविंग, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का जो मामला है वो कुछ और है सर, स्टेट विद इन स्टेट। ऑन अ सीरियस नोट आसमा, देखें कहना तो ये है कि ये बात दुरुस्त है कि कोई भी मुल्क से बालातर जो मुल्क की किसी भी बुनियाद पे किसी साख्त को नुकसान पहुंचने की बात हो रही हो तो उसको सबको एक रिस्ट्रेन और एक रिस्ट्रेन का अपना पहलू सामने रखना चाहिए। आप अपने लोगों को भी कह रहे हैं ये मलिक साहब, आप अपने लोग, अच्छा देखिए इससे ज्यादा विजिबली और क्या कहें कि जब चीफ मिनिस्टर ने जो कन्वेंशन सेंटर में हमारा जनरल काउंसिल का इजलास था तो उस पर तो चीफ मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली कह दिया, एंड ही सेड के वो जो मशीर हैं जिनके मशवरों से ये हुआ तो वो मतलब मलिक साहब एक मिनट दीजिए, देखिए
उन एक दो मशीरों का इशू नहीं जिनकी तरफ इशारा किया गया, वो कौन से मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठकर मुशावरत जो नए आने वाले झंडे के शौक में है, मुझे ये बताएं कि कितनी मीटिंग्स चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ ख्वाजा आसफ साहब की हुई हैं, जहां पे प्रॉब्लम है वो सारे पाकिस्तान को पता है और वो तश्तबाम है, उसको आप छुपा नहीं सकते। जो निसार साहब के उन्होंने तो ओपन ही कह दिया कि मुझे मुशावरत से ही और ये मामला डॉन लीग से शुरू हुआ था, उसमें भी शहबाज साहब की लड़ाई हुई। जी बिल्कुल, वो सारे इश्यूज जो हैं वो पार्टी के